को बॉटल आर्ट के लिए बॉटल कैसे रेडी करनी वो सिखा रही हूँ। तो मैंने एक कांच की बॉटल ली है इस तरह की। अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्लास्टिक की बॉटल भी ले सकते हो। और फिर मैं इस पे ब्लैक कलर कर रही हूँ क्योंकि बॉटल को कोई भी पेंटिंग करने के पहले बेस देना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए मैं ब्लैक कलर कर रही हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर इसमें निकाल दिया है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि इसकी थिकनेस प्रॉपर हो जाए। और इसको करने के लिए ये इस तरह से थोड़ा सा एक दो ड्रॉप मैंने पानी ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। बॉटल आर्ट करने के लिए हमको इस टाइप का कोई भी स्पंज चाहिएगा। स्पंज आप नॉर्मली कोई भी आपको पैकिंग में स्पंज आता है वो भी ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई स्कॉच ब्राइट वगैरह है तो उसका भी स्पंज ले सकते हो। उसका छोटा सा एक पीस कट कर लेंगे। ये मैंने एक छोटा सा पीस काट लिया है। अब इसको मैं कलर में इस तरह से डिप करूँगी। कलर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, मेरा थोड़ा गाढ़ा था इसलिए मैंने डाला। अगर आपके पास अच्छा कलर है जो ज़्यादा थिक नहीं है तो आप डायरेक्ट कलर भी कर सकते हो। और इस तरह से स्पंज की सहायता से आप करोगे, इस तरह से पूरी बॉटल पे कलर कर दोगे। बहुत ही जल्दी हो जाता है। और आप सबको कोई भी बॉटल के ऊपर कुछ आर्ट करने के लिए इस तरह करना है। मैं इसमें ब्लैक कलर ले रही हूँ क्योंकि मुझे इस पे लाइट कलर्स करने हैं। अगर आपको कुछ अलग तरह के कलर करने हैं तो आप कोई दूसरा कलर भी ले सकते हो। हार्डली 5 मिनट में, ये 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, इतने जल्दी ये देखो पूरी बॉटल पे हो गया बहुत ही ईजीली। अब इसको थोड़ा सूखने देंगे। सूखने के बबाद हम लोग एक एक कोट और करेंगे इस पे। इसको 2-3 घंटे हो गए हैं और अच्छी तरह से सूख चुका है। अब इस पे मैं एक कोट और देने के लिए एक बार और कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कहीं कहीं पे अभी रह रहा है। इस तरह से मैंने थोड़ा सा ये कलर और निकाला है इसमें प्लेट में। और इसको फिर से उसी टेक्निक से, वही जो पहले वाला स्पंज था मैंने उसको अच्छे से वॉश करके रखा था, अब उसी स्पंज को फिर से ले रही हूँ मैं। और इस पे एक कोट और कर देने से बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये सभी को रेडी करके रखना है। तो इसके ऊपर हम फिर मैं बताऊँगी कि किस तरह से। और बहुत ही इजी, हार्डली 2-3 मिनट में हो जाता है। ये आपके सामने ही देखिए मैं कितना जल्दी कर रही हूँ। और ये एक मैंने प्लास्टिक की डिब्बे पे भी किया है तो आप देख सकते हैं। तो अगर कुछ पेपर वगैरह चिपके तो उनको ज़रूर से निकालना है आपको, बाकी आप इजीली कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हो गया। आप ज़रूर से इसको ट्राई करें, लाइक शेयर और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। ये इस एक ही फोम के टुकड़े को आप कई बार यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से पानी में 2-3 बार धो के सुखा के रख लें, वापस से आप इसको काम में ले सकते हो।